जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चर्चा करेंगे स्कूटनी फार्म। दोस्तों स्कूटनी फार्म से संबंधित प्रश्न दोस्तों जितने भी आपके मन में आते हैं उन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर मैं लेके आया हूँ। ध्यान से देखिए, कौन कौन से प्रशिक्षु स्कूटनी फार्म डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों प्रश्न है, कब से फार्म दोस्तों पढ़ना स्टार्ट होंगे। तीसरा दोस्तों आपका जो प्रश्न है, अंतिम डेट क्या है, फार्म डालने की अंतिम डेट क्या है, फीस क्या है स्कूटनी फार्म की। एंड पांचवा दोस्तों प्रश्न है, स्कूटनी फार्म कहां से पड़ेगा, जो स्कूटनी वाला फार्म है कहां से डालें उसको। छठा प्रश्न दोस्तों, स्कूटनी फार्म डालने से नंबर कम तो नहीं होते हैं। ये भी दोस्तों बहुत सारे हमारे प्रशिक्षुओं मन में डाउट रहता है कि स्कूटनी फार्म डाल दें तो क्या नंबर हमारे कम तो नहीं हो जाएंगे। और दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न है, स्कूटनी फार्म डालना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों पर आपसे मैं विधिवत से चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है कि कौन कौन से प्रशिक्षु स्कूटनी फार्म डाल सकते हैं। दोस्तों जो प्रशिक्षु भाई बंधु हमारे फेल हैं वो भी स्कूटनी फार्म डाल सकते हैं, एंड जो प्रशिक्षु भाई बंधु हमारे पास हैं वो भी स्कूटनी फार्म डाल सकते हैं। पास वाले दोस्तों किस प्रकार डाल सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए जिसमें आपने बहुत अच्छा किया था, इतने नहीं इतने नंबर उसमें होने चाहिए, तो दोस्तों आप उस सब्जेक्ट में स्कूटनी फार्म डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कब से प्रारंभ होगा स्कूटनी फार्म डालना, दोस्तों कब से प्रारंभ होगा। दोस्तों आज से ही स्कूटनी फार्म दोस्तों पढ़ना प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों क्या डेट है आज, 12/10/2023। दोस्तों अंतिम डेट क्या है, 27/10/2023। ये दोस्तों आपकी अंतिम डेट है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, फीस क्या है। दोस्तों स्कूटनी फार्म भरने की दोस्तों आपकी मात्र फीस 100 रुपये है। कितनी, 100 रुपये, ठीक है। स्कूटनी फार्म कहां से पड़ेगा, दोस्तों स्कूटनी फार्म आपके कॉलेज से ही पड़ेगा। आप कॉलेज जाइए, वहां संपर्क करिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में स्कूटनी फार्म डालना है, और वहां से संपर्क करेंगे तो आप वहां से अपना फार्म भर सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए, स्कूटनी फार्म डालने से नंबर कम तो नहीं होते हैं। दोस्तों स्कूटनी फार्म यदि आप डालते हैं तो आपके नंबर कम नहीं होते हैं। स्कूटनी फार्म में दोस्तों यदि कॉपी आपकी चेक की गई है, यदि का चेक की ही गई है, उसमें यदि दोस्तों आपके नंबर कहीं टोटलिंग में कम आ रहे हैं और उसको चढ़ा दिया, आप जब जोड़ा गया तो टोटलिंग बढ़ गई, तो दोस्तों सिर्फ टोटलिंग को क्या दोबारा से रीचेक किया जाता है, कम या ज्यादा टोटलिंग दोस्तों होगी, यदि आपकी टोटलिंग कम है तो उसको बढ़ा दिया जाता है, बाकी विशेष कुछ उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। तो दोस्तों क्या स्कूटनी फार्म डालने से नंबर कम तो नहीं होंगे, नहीं स्कूटनी फार्म डालने से आपके नंबर कम नहीं होंगे, सिर्फ आपकी जो टोटलिंग होती है, यदि आप एक दो नंबर से फेल हो रहे हैं दोस्तों तो वो नंबर आपके यदि आप लगता है कि टोटल जोड़ा गया कम आ रहा है तो उसको बढ़ा देते हैं। अंतिम दोस्तों प्रश्न क्या है, स्कूटनी फार्म डालना चाहिए कि नहीं। दोस्तों स्कूटनी फार्म उन्हीं प्रशिक्षुओं को डालना चाहिए जिनके दोस्तों पासिंग मार्क से एक या दो नंबर कम है। अर्थात दोस्तों ध्यान समझिए, जो 50 नंबर वाला पेपर है उसमें दोस्तों यदि उस प्रशिक्षु भाई के 23 या 24 नंबर है, क्या 23 या 24 नंबर है, तब ही आप स्कूटनी फार्म डालें। एंड दोस्तों जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उसमें दोस्तों यदि आपके 11 या 12 नंबर है तब ही दोस्तों आप स्कूटनी फार्म डालें मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों स्कूटनी फार्म में नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इससे अच्छा है कि बैक पेपर दे दीजिए, वहां से दोस्तों नंबर आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्कूटनी फार्म में दोस्तों यदि आपके एक या दो नंबर कम है तभी दोस्तों आप डालिए, अन्यथा दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, बैक पेपर दे देंगे तो आपके नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे स्कूटनी फार्म की अपेक्षा। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके नंबर ज्यादा बढ़ जाए तो स्कूटनी फार्म डालने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आपके 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है तो स्कूटनी फार्म मत डालिए, आप बैक पेपर दीजिए तो जिससे आपके नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर यदि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि हम स्कूटनी फार्म डाल के हमारे नंबर बढ़ सकते हैं तो जरूर डालिए। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपके 1, 2 या 3 नंबर तक भी कम है तो आप स्कूटनी फार्म डालिए, ज्यादा नंबर कम है तो आप बैक पेपर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके मन में उठ रहे थे मैंने सभी प्रश्नों को लेने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और उनके मन में जो शंका है, डाउट है, वो अच्छे से क्लियर कर पाएं। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।